अपने को पीएनसी में क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन मैं देता हूँ, परमिटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमिटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। परमिटेशन का होता है अरेंजमेंट, और इसका मतलब होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन या सेट या कलेक्शन, ठीक है। और परमिटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने चीजों को परम्यूट कर दिया या चीजों को अरेंज कर दिया, एक ही बातें, ठीक है ना। या मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया, एक कॉम्बिनेशन है मेरे पास, ठीक है, एक चीजों का कॉम्बिनेशन है, या मेरे पास एक कई चीजों का, मतलब कई चीजों का कॉम्बिनेशन है मेरे पास, या कई चीजों का सिलेक्शन है, कई चीजों का सेट है मेरे पास, कई चीजों का कलेक्शन है, सब बातें क्या है? सेम है, ठीक है। तो आप लोग सब समझते हैं कि कलेक्शन और परम्यूट करने में क्या फर्क है ना। फर्क ये कि जैसे टीम इंडिया, उसमें 11 खिलाड़ी, उनके नाम फलाना ढिमकाना है, ये अपने आप में क्या है? कलेक्शन है। टीम इंडिया का कलेक्शन, क्रिकेट टीम की बात करो, और जो अपने आप में क्या कहते हैं, यू नो, किस बैटिंग ऑर्डर में वो आएंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, वो उनका क्या बैटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो बैटिंग अपने आप में, बैटिंग किस ऑर्डर में है, वो अपने आप में एक अरेंजमेंट शो कर रहा है। लेकिन टीम इंडिया में कौन है कौन नहीं है, जैसे धोनी है कि नहीं है, ये अपने आप में सेट डिफाइन कर रहा है, कि कलेक्शन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इस पर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, लिखो क्वेश्चन। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट वन बुक आउट ऑफ थ्री बुक्स वन फिजिक्स वन केमिस्ट्री वन मैथ्स बहुत सिंपल है। कितने तरीकों से आप एक किताब सेलेक्ट कर सकते हो? जो जो आपका सिलेक्शन होगा ना, वो एक सेट होगा, कलेक्शन होगा, है ना। सो योर सिलेक्शन कैन बी, ठीक है, या तो ऐसा होगा आपका फिजिक्स, या तो आपने फिजिक्स की किताब सेलेक्ट करी, या फिर आपने केमिस्ट्री की किताब सेलेक्ट करी, या फिर आपने मैथ्स की किताब सेलेक्ट करी, सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? थ्री। तीन तरीकों से आप एक किताब सेलेक्ट कर सकते थे ना, थ्री वेज। लिख लो आंसर इज थ्री। आपको अगर एक किताब सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपके पास तीन अलग अलग तरीके हैं एक किताब को सेलेक्ट करने के, ठीक है। अच्छा, अगर आपको दो किताब लेनी है, टू बुक्स आउट ऑफ थ्री बुक्स, दो बुक्स आपको सेलेक्ट करनी है, तो आपका जो कलेक्शन है, सेट है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है? योर कलेक्शन कैन बी फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मैथ्स, मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है पीएम, सीएम और पीसी, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दिया। तो कितने अलग अलग तरीके हैं आपके पास? तीन अलग अलग तरीके हैं, ठीक है ना, मैथ्स, फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और जो भी, समझ गया। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट कलेक्शंस, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आप चीजें गिन सकते हो, अपने हाथ से गिन सकते हो। ये मैंने इतना छोटा क्वेश्चन दिया है कि आप अपने हाथ से काउंटिंग कर सकते हो। तो ध्यान रखना, आईआईटी में जो एडवांस में कई सवाल आए हैं, ठीक है ना, एक बार न्यूमेरिकल टाइप एक सवाल आया था, उसमें 7 केसेस थे, ठीक है। अगर आप उसको कुछ यू नो मल्टीप्लाई डिवाइड बहुत लंबा कैलकुलेशन करोगे तो आप खुद ही कंफ्यूज जाओगे। उसमें आपको काउंटिंग करनी थी, अच्छा एक ये वाला केस होगा, एक ये वाला केस, ऐसे हाथ से गिनना था, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस तरह के भी सवाल आते हैं जिनको आप हाथ से गिन सकते हो, केसेस को हैंड काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब आपसे मान लो सेलेक्ट की जगह पूछ लिया अरेंज, अरेंज थ्री बुक्स, ठीक है, तीन बुक्स हैं, तीनों आपको शेल्फ पे अरेंज करनी है, ठीक है ना। तो अरेंजमेंट क्या होता है? पी सी एम, पी एम सी, ठीक है ना, सी पी एम, सी एम पी और एम पी सी और एम सी पी, है ना, इस तरह से कितने अरेंजमेंट हो गई है? 6। तो दीज आर 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स, है ना, ये 6 अलग अलग अरेंजमेंट है।
तो आप अपने रैक के अंदर इन तीन किताबों को कितने तरीकों से रख सकते हो। लेफ्ट टू राइट आपको इस तरह का दिखाई देगा, है ना? लेफ्ट से राइट देखोगे आपको इस तरह का दिखाई देगा। हाँ भाई, नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन अपन आते हैं। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन है ना, इनको कैसे अपन यू नो दिमाग में सेट कर लें, क्योंकि क्या है अपन यही तो कर रहे हैं, सर्कल को अपने दिमाग में सेट कर लिया, सेंटर ये फलाना डिमकाना सब रट रटा लिया, ठीक है ना? तो बस अपन देख रहे हैं कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सवाल कैसे आते हैं और उनको सोचना कैसे है, ठीक है? तो एक अपने को गाइडलाइन मिल जाएगी, पॉइंट वाइज अपन लिख लेंगे। तो एक एक मॉडल ये है आपका, पढ़ो। नंबर ऑफ वेज इन विच वन कैन ट्रैवल फ्रॉम टाउन वन टू टाउन थ्री वाया टाउन टू। भाई वहां पर टी फोर काट दो, एंड टी फोर इसको काट दो, एंड टी फोर इसको काट दो इन डेफिनेट ऑर्डर। तो डेफिनेट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जैसे टी वन है, टी वन से आप गए अपना टी टू और टी टू से गए आप टी थ्री, ठीक है? ओके, इस तरह से गए आप। अब डेफिनेट ऑर्डर का मतलब ये है कि भाई पहले टी वन से टी टू गए, फिर टी टू से टी थ्री गए। ऐसा नहीं है कि टी वन से टी टू गए फिर नहीं नहीं घर की बहुत याद आ रही फिर वापस टी वन गए फिर चलो यहाँ जाते हैं फिर इधर चले जाते हैं, ना? ऐसा नहीं है, एक सर्टेन ऑर्डर में, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर। क्योंकि ज्यादा शहर हो जाएंगे ना, मान लो टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव, तो डेफिनेट ऑर्डर मेंशन करना इंपॉर्टेंट है कि वन से टू गए, टू से थ्री गए, थ्री से फोर गए, फोर से फाइव गए। इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपको कपड़े पहनने हैं, ठीक है? एक बनियान पहननी है और एक टी शर्ट पहननी है, उसके ऊपर जैकेट पहननी है, तो ये डेफिनेट ऑर्डर भी होगा ना भाई, ठीक है ना? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कपड़ा ऊपर आएगा कौन सा कपड़ा नीचे आएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए डेफिनेट ऑर्डर वर्ड मेंशन होगा, ठीक है ना? डेफिनेट ऑर्डर वर्ड मेंशन होगा, ठीक है? अब कितने तरीके, मान लो यहां पर दे रखा है अपने को टी वन से टी टू जाने के लिए सड़क नंबर वन, सड़क नंबर टू और सड़क नंबर थ्री, है ना? और यहां पर रास्ता नंबर वन, रास्ता नंबर टू। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि पहले अपन टी वन से टी टू गए सड़क वन से, और वहां से गए अपन रास्ता नंबर वन से। दिस इज वन वे, है ना? ये एक तरीका है। सेकंड, सड़क वन, रास्ता टू एंड सो ऑन। देखिए ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको फील आ जाए, गिनती कर लो आप। अच्छा, एक वो तरीका है, एक वो तरीका है, एक वो तरीका है, ठीक है ना? ताकि आगे जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना बड़े बड़े नंबरों को, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, विजुअलाइजेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। तो यू कैन ऑल्सो से इट इन दिस वे कि द नंबर ऑफ वेज आई कैन टेक द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई जर्नी। मैं अपनी जर्नी का पहला कदम कितने तरीकों से रख सकता हूँ, तीन तरीकों से। अपनी जर्नी का दूसरा कदम दो तरीकों से, और आएगा क्या इनका मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको फील आ रहा हो, क्योंकि आप इसको लिख करके देख सकते हो, वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन कितना आएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है? लिखो।